हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और भैया, मैं आपको अपने बीसलपुर का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे बीसलपुर में आज इतना पानी रात में गिरा है कि तादाद से ज़्यादा, जहाँ देखो वहाँ पानी पानी नज़र आता है। और आप देख सकते हो, देखो बराबर पानी भरा हुआ है। एक तो कहते हैं कि भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं आती, तो इसी तरीके से आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि जब भगवान की लाठी जब पड़ती तो आवाज़ नहीं होती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ यातायात बिल्कुल बंद है और पानी की बहुत बड़ी मात्रा में, एक तो ऊपर से पानी छूटा और ऊपर से मालिक की मार पड़ रही, जो कि आप देख सकते हो हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। हमारी कॉलोनी में बहुत पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से जब कहते हैं कि मजदूर भाई, एक तो मजदूर भाइयों की मजदूरी नहीं लगती, और जब लगती है तो ये भगवान की मार पड़ जाती है और पानी पानी दिखाई देता है। पूरा यातायात बंद है, पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। और इसी तभी तो कहते हैं कि गरीब आदमी का होना ही मतलब दुर्लभ है, क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, और जब मजदूरी करने जाएगा तो उसे मजदूरी मिलेगी नहीं, क्योंकि यातायात सब बंद है। और आदमी देख रहा है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में इस तरीका से पानी भरा हुआ है, तो हम क्यों काम कराएं, क्यों मजदूर को रोटी मिले। तो मजदूर को की तो हर जगह मार ऐसी पड़ती है कि बेचारा आंसू भी नहीं निकलते और रो भी लेता है, कि मन ही मन रोता है और कहता है हे मालिक, हमें आपने इस तरीका क्यों बनाया। तो मालिक क्या करते हैं, मालिक तो ये समझते हैं कि मजदूर को शाम को भोजन खिलाना अनिवार्य है, लेकिन कुदरत क्या करती क्या नहीं करती आप देख सकते हो। हम अरे शहर बीसलपुर में इतना पानी आ गया है, एक तो ऊपर से पूरी रात, आज 15 दिन हो गए पानी बरसते हुए, और पूरी रात पानी गिरता है। लेंटर जिनके पड़े हुए हैं वो ऐसे तर मार गए, जैसे कि बाहर पानी गिरता है उसी तरीके से नीचे पानी गिरता है। बेचारे खटिया ले ले घूमते हैं, बिस्तर समेटे समेटे घूमते कि कहाँ लेटें कहाँ डालें। तो भाइयों, आप देख सकते हो हमारे यहाँ बहुत पानी है, देखो ये पानी पानी भरा हुआ है, पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। इतना सैलाब है, एक तो ऊपर से बारिश और ऊपर से पानी छोड़ा गया, वो भी पानी आ रहा है। अब बताओ मजदूर भाई कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप ही लोग बताओ। कि हम जैसे मजदूर हैं, या मान लो कोई भी मजदूर है, वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से पैदा करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा, क्योंकि भगवान की मार किसी ने देख नहीं पाई। इंसान मारता है तो आवाज़ होती है, भगवान मारता तो आवाज़ नहीं होती है। आप देख सकते हो पूरे बाग में पूरा तालाब भरा हुआ है, पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। और भाइयों, भगवान से प्रार्थना करना कि अब पानी ना बरसे, मजदूर भाई को रोटी मिले और सभी को रोटी मिले, सभी भाई बहनों को रोटी मिले, सभी लोग खुश रहो।